गड्डी बहुत बस स्टैंड के बाहर उस वेले हंगामा हो गया जदों कुछ नौजवानों ने मिल के एक मुंडे की बेरहमी के नाल कुटमार की। पूरा इलाका इकट्ठा हो गया तो अदमरी हालत दे विच मुंडे नूं हस्पताल पहुँचाया गया जिथे उसकी हालत जो है नाजुक दसी जा रही है। कित्थे दी है खबर ते की है पूरा मामला इस रिपोर्ट दे विच दसते हैं। ते लुधियाना दे बस स्टैंड के उपर उदो भारी हंगामा हो गया जदों कुछ नौजवानों के वलों एक मुंडे की बेरहमी के नाल कुटमार की गई है। तो मौके दी तस्वीरां भी सामने आई ने। यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया से वायरल हो रही है। लुधियाना के बस स्टैंड के बाहर यह हंगामा हुंदा होया नजर आया तो लोगों ने कहा कि जिस नौजवान नूं कुटिया गया उसके बचन की उम्मीद काफ़ी घट दसी जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के वलों इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। उधर ही मौजूद लोगों ने दसिया कि पहला बस के नौजवान को कुटिया जा रहा है ते बाद दे विच बस दे विचों बाहर कढ़ के नौजवान की बेरहमी के नाल कुटमार की गई है। उत्थे पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुंडे नू नज़दीकी हस्पताल दे विच भेज दिता गया अते मामले की जाँच की जा रही है। सब तो पहला रुख करते हैं उस वीडियो का जो सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हो रही है। नाल ही उत्थे मौजूद लोगों का की कुछ कहना है, पुलिस का इस मामले पर की कुछ कहना है वह भी तुहानू सुना दिंदे आ। आ पता नहीं जी, आ बस खड़ी सामने यही सीगी ते बंदे उतरे विचों चंगा उन्होंने कुटिया, बंदे नू बेहोश करता, रब जाने जींदा के मर गया, हुण डाक्टर को लैके गए है। आ चौंक दे विच ही बिल्कुल बस स्टैंड लुधियाना मेन चौंक दे विच ही काम होया। बहुत मारिया बंदे नू, बंदा जिवें एक तरह का भी समझ लो साडे हिसाब नाल 30% चांस है बचूगा। मारिया मारिया पता नहीं, अनजाण सन तो पता नहीं कौन सके, बस के ही लड़ते लड़ते बाहर आए हैं। हाँ बस के लड़े है तो बाहर आए हैं तो मुंडे को बहुत कुटिया, पे नहीं पता किने कुटिया जी, ये सन नहीं पता, कुछ नहीं पता लग्या हाले। हाँ बड़ा को मारिया उन्होंने, पुलिस वाले ने फड़ लिया, जेडे PCR वाले थे उन्होंने मुस्तैदी नाल बंदा फड़िया, अगे हो के बंदा फड़ के काबू किया, चौंकी लै गए ने। पौड़ के उपर पहुंचे हैं, सानू जो इतों इनफॉर्मेशन मिली है कि बंदा एक सिविल हॉस्पिटल के पहुँचाया गया, रेस्क्यू किया गया, उस जाके देख रहे हैं भी की बनता है। तो बाकी जो मौके के उत्ते जो है आस पास तो वेरीफाई करके बनती कार्रवाई की जाऊगी, वो बारे सारा कुछ जो आपका स्टेटमेंट पॉसीबल हो सकेगा है। बाकी असं आस पास तो पूछ गिछ कर रहे हैं।